बेटा लेट अस स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के मेरे पास प्रॉब्लम भी आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम भी मैं आपकी कर रहा हूँ आज, जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एग्जाम से। फर्स्ट स्टार्ट विद सिंपल प्रॉब्लम। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल बेटा, अल्फा बीटा फर्स्ट इक्वेशन के रूट हैं, गामा डेल्टा बेटा सेकेंड इक्वेशन के रूट हैं। शो दैट q square minus p square equal to alpha minus gamma beta minus gamma, alpha plus delta into beta plus delta। ये बेटा हमें शो करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये बेटा आपका जेई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, गामा डेल्टा रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, राइट? शो दैट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस, राइट? हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, कैसे करें बताओ। देखो बेटा, अल्फा बीटा रूट है पहली इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। चेक करो, गामा डेल्टा सेकंड के रूट है, तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, गामा इंटू डेल्टा कितना आपका सी बाई ए। तो बेटा आप लोगों ने क्या लिखा, पहले लिखा सम ऑफ द रूट देन प्रोडक्ट। लक्ष्य बेटा मेरे पास अटेंडेंस वगैरह का आनी चाहिए आपकी, कल भी आपने अटेंडेंस नहीं भेजी है। हर्ष को मैंने ट्वेल्थ में लगा रखा है, बेनागा मेरी अटेंडेंस भेजता वो, तो आप ध्यान रखा करो, बार बार मुझे नहीं कहना चाहिए, अटेंडेंस तुरंत भेजा करो। नाउ सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। नाउ अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। यहां देखो बेटा मल्टी, आप फर्स्ट सेकंड को क्लब करो, थर्ड फोर्थ को क्लब करो, ये आपका बेटा बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। चेक करो बेटा, बेटा मैंने फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस एक्सप्रेशन। थर्ड एंड फोर्थ को अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इनटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। चेक करो बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई हमने किया है, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, क्यू, राइट? अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, तो प्लस पी गामा प्लस आर स्क्वायर। यहां पर आइए, अल्फा बीटा बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी डेल्टा प्लस कितना आपका डेल्टा स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग फिर भी कर लेंगे, जो मेन काम अब आप स्टार्ट करते हैं। बेटा ये निकल गया q प्लस पी आर प्लस आर स्क्वायर गामा स्क्वायर, q माइनस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा सर फर्दर मल्टीप्लाई करो, फर्दर मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है। अब यहां पर हम कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए गामा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो गामा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, राइट? तो ये आपका बनेगा गामा स्क्वायर प्लस आर। बेटा ये थोड़ा सा आर में मिक्सिंग ना हो जाए, आर और गामा दोनों आपके क्या हैं, सिमिलर मिलते हैं। लेट मी चेंज गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा, तो गामा को मैं थोड़ा सा सिंबल चेंज करना चाहूंगा। चलिए ये आपका बन गया आर गामा प्लस एस इक्वल टू जीरो, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर गामा माइनस एस। बेटा डेल्टा भी इसका रूट है, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस आर डेल्टा माइनस एस।
तो ये आपका बन जाएगा क्यू प्लस पी आर, ये आपका पी आर नहीं है, दिस इज पी, कितना है आपका, बिल्कुल इसमें बेटा आप चेक कर लेना, ये आपका अल्फा माइनस गामा है, गामा है प्लस गामा ये वाला स्क्वायर, ये आपका बनेगा आपके पास माइनस आर डेल्टा माइनस कितना आपका एस क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा। तो आप लोगों ने बेटा आर और गामा में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। अब आप क्या करोगे, आप इन टर्म को क्या करोगे, क्लब करोगे, क्लब करके आप चेक करना आपका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने दो चीज ध्यान रखनी है, सम ऑफ रूट लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, फर्स्ट सेकंड क्लब थर्ड फोर्थ क्लब, यहाँ पर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, देन आपने क्या किया बेटा, देन पुट दी वैल्यू ऑफ गामा स्क्वायर, देन पुट दी वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर। तो प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम। नाउ कल बेटा हमने काफी अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस की थी, आज उम्मीद है मैं उससे भी ज्यादा आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर टिपिकल प्रॉब्लम। देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बेटा आपका जेई मेन की प्रॉब्लम है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये बेटा वन क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन एग्जामिनेशन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, ऑप्शन देखे बेटा, एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1, वन रूट इन 2 to 3 एंड अदर इन -2 to -1, इमेजिनरी रूट्स डी आपका क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो बेटा अच्छी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा, तीन रियल नंबर ए बी सी है, ए बी सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आपको दे रखा है, जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन टू बी जीरो, राइट। नाउ देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन इज हैविंग एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1, वन रूट इन 2 to 3, अदर इन -2 to -1, एन इमेजिनरी रूट्स, एनी वन हाउ टू स्टार्ट, वट इज द क्लू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एनी वन इन द क्लास, बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कोई बच्चा बताए, बोलो बच्चों विच कॉन्सेप्ट आई शुड यूज हेयर, रिप्लाई मी, आई वॉन्ट टू सी हु विल रिप्लाई मी फर्स्ट। बेटा कंसेप्ट क्वालिटी का कौन सा लगाएंगे, खुशी वन खुशी टू ध्यानचंद अंजू, बताओ बेटा क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ गई तो आप बेटा क्या करोगे, रिप्लाई करो, विच कॉन्सेप्ट यू वुड लाइक टू यूज हेयर। बेटा रिप्लाई तो करना पड़ेगा, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे। आप मुझे सर ये बताएं क्वाड्रेटिक का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं, बताइए आप लोग। नवीन बताओ बेटा, रोल्स थ्योरम, रोल्स, सारे बच्चे इसके लिए क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए,
एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट। अरे आपको मैं बताना चाहूंगा इस बच्चे के बारे में, जो बच्चे नए हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। नवीन इज ब्रदर ऑफ जतिन, और जतिन हमारे स्कूल का आरपीएस कौंसलिंग का पहला बच्चा था जिसका जेई एडवांस क्लियर हुआ था। और आज वो बेटा कॉलेज कौन सा है, आईआईटी मिला हुआ है बच्चे को नवीन? कानपुर। हाँ। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपकी क्लास से एक बच्चा तो निकला था जतिन, फर्स्ट बच्चा, आपकी क्लास से 3-4 बच्चे जेई एडवांस आएंगे। और मैं मतलब आपको विश्वास, आप मेरे साथ अटैच रहें, मेहनत करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई कोचिंग और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सब आपको यही मिलेगा। देखो बेटा, अब इसका क्लू सुन लीजिए आप लोग, जब भी मैं बात करता हूँ एटलीस्ट वन रूट, आपके एटलीस्ट वन रूट आते ही आपके माइंड में क्या आएगा, ये आपकी आएगी वो वाली कौन थ्योरम, रोल्स थ्योरम। देखो एफएक्स इज ए फंक्शन डिफाइन इन ए टू बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन की ए और बी पर वैल्यू क्या है इक्वल, देन डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में होता है। तो जब हमने बोल दिया एटलीस्ट वन रूट, तो इसका क्लियर सम आपको इंडिकेशन आना चाहिए कि रोल सम यूज कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का एक रूट आएगा, तो ये इक्वेशन क्या है आपकी डेरिवेटिव वाली, राइट? तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इसका इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, इसका इंटीग्रल। देखो 3a कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है x क्यूब बाय 3, 2b कांस्टेंट, ये आपने फिजिक्स में किए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट, x इंटीग्रल इज x स्क्वायर बाय 2, c इंटीग्रल कितना आपका सी एक्स, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, ये आपका बन गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको बच्चे हो, रिप्लाई मी, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका बेटा सी एक्स। नाउ मैं इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगाना चाहूंगा 0 to 1। नाउ एफ जीरो कितना होगा बेटा, एफ जीरो एक्स को बेटा मैं जीरो पुट करता हूं तो 0 + 0 + 0, एफ वन कितना आ गया बेटा, एक्स को वन पुट किया ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको 0, तो मैं क्या कह सकता हूं, आई वुड से एफ जीरो इक्वल टू कितना आपका एफ वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन रोल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा यही आएगी, तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट क्या होगा 0 1 के बीच में। बेटा एटलीस्ट वन रूट की बात करें तो आपके माइंड में क्लिक करेगी वी नीड, जहां पर आपका मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो आपके माइंड में क्या आता है, वी नीड टू अप्लाई एएमजीएम इनइक्वालिटी। तो मैथमेटिक्स में कुछ चीज ऐसी है जिनको फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं और सभी चैप्टर में, राइट? तो दिस वॉज गुड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट मैं आपको 2019 की प्रॉब्लम करवाता हूं जो मेन एडवांस दोनों में आई हुई है। चलिए एक ये बेटा स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है, लेट अस सी। चलो पहले हम ऐसा करते हैं, देखो बेटा ये क्वेश्चन है कॉमन रूट से, इफ अल्फा बीटा गामा फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी, बेटा 3 नंबर हैं वो क्या बना रहे हैं, इंक्रीजिंग जीपी। If alpha beta gamma are three consecutive terms of non-constant GP such that alpha x square plus 2 beta x plus gamma equal to 0, x square plus x minus 1 equal to 0,
बेटा ये दोनों इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स, हैव ए कॉमन रूट्स, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा? 0 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा। क्वेश्चन बेटा मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये 2019 मेन की प्रॉब्लम है बेटा, लास्ट ईयर आई थी। बेटा अल्फा बीटा गामा आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी सच दैट दीज टू इक्वेशंस दिस एंड दिस आर हैविंग वन कॉमन रूट, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा एंड बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू। ऑप्शंस हैं 0, बेटा जब आप प्रॉब्लम करते हैं ना लास्ट ईयर की, तो डायरेक्टली आप कनेक्टेड हो जाते हैं कि सर आई कैन डू, मतलब आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है काम, राइट? कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करे हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। हाँ बेटा बताइए। देखो बेटा अच्छी प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज ये तीनों नंबर बेटा जीपी में है, लेट आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, आपको मैंने बताया हुआ जीपी के बारे में। एपी में बेटा सक्सेसिव डिफरेंस सेम होता है, और जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो आपका सेम होता है। बेटा ये तीनों आपके जीपी में है, आर इज कॉमन रेशियो, तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू अल्फा आर एंड गामा इक्वल टू अल्फा इंटू आर स्क्वेयर। अब यहाँ थोड़ा सा आर वन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंस हो जाए। बेटा आर वन भी कॉमन रेशियो, तो बीटा बन गया अल्फा इंटू आर वन, गामा क्या बन गया अल्फा इंटू कितना आपका आर वन स्क्वेयर, राइट? अब आप क्या करें, अल्फा को अल्फा रहने दें, बीटा को ये और गामा को ये, यहां पर पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, ये बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वेयर टू बीटा, बीटा आपका है अल्फा आर वन इंटू एक्स, ये आपका अल्फा इंटू आर वन स्क्वेयर इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय अल्फा, तो ये बेटा बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू आर वन एक्स प्लस आर वन। अब आप चेक कर सकते हैं कितना आपके लिए काम आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया बेटा, अब आप सोच के मुझे बताएं कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया, एक्स प्लस आर वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 0। चेक करो बेटा ए प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना आपका 2ab। नाउ कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो बेटा, एनी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट्स इक्वल है, तो इसलिए रूट्स क्या क्या बन गए बेटा, रूट्स आर माइनस आर वन माइनस आर वन। अब इन दोनों इक्वेशन के बेटा कॉमन रूट थे, तो जो भी ये रूट निकला है वो सेकंड को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाइड, तो एक्स को यहाँ पुट करो, माइनस आर वन स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये बेटा बन गया आर वन स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस वन इक्वल टू 0। चेक करो आर वन स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस वन इक्वल टू कितना आपका बेटा 0। अब आप क्या करना चाहेंगे वो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से आर वन की वैल्यू क्या बन गई बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको दूसरे तरह से करता हूँ। तो बेटा क्या बन गया अभी तक आपका, आर वन स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस वन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, अल्फा का कोई चेंज मत करो, बीटा कितना है बेटा, बीटा है अल्फा आर वन, और गामा कितना है अल्फा इंटू आर वन स्क्वेयर। बेटा अल्फा कॉमन लो, अल्फा बाहर है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अल्फा वन स्क्वेयर, क्या बन जाएगा अल्फा वन स्क्वेयर, अल्फा स्क्वेयर आर वन इंटू आर वन स्क्वेयर, इट इज आर वन प्लस आर वन स्क्वेयर। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या हमें करना है आगे,
तो इसका मतलब जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू ये निकल गई। अब इनमें से जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आती है वो आपका आंसर है। नाउ पहला ऑप्शन क्या है आपके पास बेटा, जीरो। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, चेक करो। अच्छा आर वन की वैल्यू, आर वन स्क्वायर की वैल्यू, आर वन प्लस वन। ओके चलो, ये आपका अल्फा इंटू बीटा सोल्व करना बेटा। बीटा को मैं पुट करना चाहूंगा, क्या पुट करेंगे, अल्फा इंटू आर वन, तो अल्फा स्क्वायर आर वन। अब आप चेक करें अल्फा इंटू गामा, गामा आपका है अल्फा इंटू आर वन स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आर वन स्क्वायर। लास्ट बीटा इंटू गामा, बीटा आपका कितना बेटा, अल्फा आर वन, और ये आपका अल्फा इंटू आर वन स्क्वायर। तो ये बेटा बन गया अल्फा स्क्वायर इंटू आर वन क्यूब, राइट। अब मुझे सोच के बता सकते हैं बेटा कि गामा आपका, गामा अल्फा स्क्वायर इंटू आर वन क्यूब, आर वन आपका, आई वांट टू सी कि क्या ये दोनों इक्वल है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना आपका, जीरो। अच्छा जो भी इसका कॉमन रूट बेटा, माइनस गामा क्या था इसका कॉमन। चलिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम हो गई है बेटा, मैं इसको यहां तक करता हूँ, लास्ट स्टेप आपको बताना है। सुनिए बेटा, अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग जीपी है, मैंने इनका कॉमन रेशियो आर मान लिया, बीटा इक्वल टू अल्फा आर वन, गामा इक्वल टू अल्फा आर वन स्क्वायर। नाउ बीटा और गामा की वैल्यू मैंने बेटा वन में पुट कर दी, अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है रूट्स आपके इक्वल है, तो इसके जो रूट्स बने वो रूट्स बेटा बने हैं माइनस आर वन माइनस आर वन, माइनस आर वन माइनस आर वन, तो माइनस आर वन बेटा इसके रूट है। अब चूंकि दोनों का बेटा कॉमन रूट है, हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट का मतलब ये होता है बेटा, इट कैन हैव वन रूट कॉमन, इट कैन हैव टू रूट कॉमन, बट जब फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं तो जो भी आपका रूट निकलता है वो आपका आंसर होगा। तो माइनस आर वन को बेटा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सेकंड में, तो ये बन गया आर वन स्क्वायर माइनस आर वन, राइट। और आपका ये बन जाएगा राइट। अब आप क्या करें बेटा, अब आपके पास ये बन गया अल्फा स्क्वायर इंटू आर वन स्क्वायर प्लस कितना आपका आर वन। अब आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लास्ट स्टेप। नाउ देखिए लास्ट स्टेप, अभी आपने ये बताया कि आर वन बेटा इस इक्वेशन का रूट था, तो इसका मतलब आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर वन प्लस वन। चेक करो बेटा, आर वन माइनस आर वन स्क्वायर माइनस आर वन माइनस वन जीरो, तो आर वन स्क्वायर बन गया आर वन प्लस वन। आर वन से मल्टीप्लाई करो तो आर वन क्यूब की वैल्यू क्या बन गई, आर वन स्क्वायर प्लस आर वन। तो आप लोग क्या करेंगे, आर वन प्लस आर वन स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, आर वन क्यूब के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर वन क्यूब। और अब आप चेक करो जो चार ऑप्शन थे, अल्फा इंटू बीटा है अल्फा स्क्वायर आर वन, अल्फा इंटू गामा कितना है आपका अल्फा स्क्वायर आर वन स्क्वायर, बीटा इंटू गामा कितना है अल्फा स्क्वायर इंटू आर वन क्यूब, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बीटा इंटू गामा। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम में पेशेंस आपने रखना है, पेशेंस को लूज नहीं करना, और की ऑफ सक्सेस टू आई आई टी इज नथिंग बट योर पेशेंस। कितने बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ गई, रेज योर हैंड। अक्षय को, नवीन, अनिल, गौरव, इस्टा, अंजू, खुशी, तरुण, तमन्ना, और बाकी बच्चे सोए हुए हैं, इसका मतलब जाग नहीं रहे। लक्ष्य को समझ में नहीं आई, आ गई, चलिए गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम, ये बेटा 2019 में इनकी प्रॉब्लम है। अब तो आपका एग्जाम कब है बेटा, एग्जाम की डेट बताइए। नवीन कब है एग्जाम, 8th को है सर, 8th को है, चलो अभी टाइम भी है। बट अभी मैं आपकी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट उम्मीद करता था कि प्रॉब्लम और मुझे मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम का लेवल आपका, अब एक्चुअली मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा सा हम सिंपल से आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक देखो बेटा, एक प्रॉब्लम है, ये पैसेज टाइप प्रॉब्लम है। पैसेज टाइप प्रॉब्लम, लेट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड अल्फा एंड बीटा। बेटा आराम से समझना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना आपका जीरो, राइट, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, राइट, फॉर एन बिलोंग्स टू एन। बेटा कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर एन बिलोंग्स टू एन, एन इक्वल टू पी इंटू अल्फा पावर एन क्यू इंटू बीटा पावर एन। बेटा एन कोई नेचुरल नंबर है, एन इक्वल टू पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन। देन आपसे कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, ए 12 किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस में आपको बताता हूँ, ए 11 प्लस 2 टाइम्स ए 10, ए 11 प्लस 2 टाइम्स ए 10, 2 टाइम्स ए 11 प्लस ए 10, थर्ड ए 11 माइनस ए 10, ए 11 प्लस ए 10। बेटा आपको मैंने क्या बताया, ऑप्शंस है ए 11 प्लस 2 टाइम्स ए 10, 2 टाइम्स ए 11 प्लस ए 10, ए 11 माइनस ए 10, ए 11 प्लस कितना आपका ए 10। तो आप सबसे पहले सोचे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले सुने बेटा, पी एन क्यू आर इंटीजर्स, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एन इज एनी नेचुरल नंबर, ए एन इक्वल टू पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन। ए एन इक्वल टू पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस क्यू इंटू कितना आपका बीटा पावर कितना आपका एन, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 12 आउट ऑफ दीज फोर, वन इज करेक्ट। ये बेटा प्रॉब्लम है 2017 एडवांस की, ये बेटा 2017 एडवांस में आई हुई है। एडवांस का लेवल तो आपको पता ही है, मेन से काफी ऊपर होता है, प्रॉब्लम का लेवल मान के चले ढाई गुना होता है। अगर आपके एफर्ट मेन में लगते हैं 100, तो आपके मेन एडवांस में एफर्ट लगेंगे 250। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम को जरा आप सोचे क्या करना चाहिए, आई वॉन्ट टू सोचो बेटा। एनी वन हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम? जरा बेटा आराम से देखो इस प्रॉब्लम को। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन। चेक करो बच्चों, बेटा अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा क्या करेगा आपका सेटिस्फाइड, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस वन, राइट। नाउ पी इंटू अल्फा पावर एन क्यू इंटू बीटा पावर एन, पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर कितना आपका एन। अब आप चेक करें बेटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना है अल्फा पावर अल्फा प्लस वन, इसको दोनों तरफ अल्फा पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करो। बेटा समझने की कोशिश करना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अल्फा की पावर एन माइनस टू। जब इसको एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा पावर एन माइनस वन प्लस अल्फा पावर एन माइनस टू। चेक करो बेटा, बेटा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन,
तो अल्फा पावर एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस वन प्लस अल्फा पावर एन माइनस टू, एंड बीटा पावर एन इक्वल टू बीटा पावर एन माइनस वन प्लस बीटा पावर। क्या ये दोनों स्टेप समझ में आ गए आपको? कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। अंजू बताओ बेटा, आपको क्या समझ में आया ये स्टेप? मुझे बताओ क्या किया आपने। अंजू बताओ बेटा, रिप्लाई मी बेटा। रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे नहीं मजा आएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। खुशी आप बताओ बेटा, बताइए बताइए, यू टेल मी व्हाट। हाँ बोलो, एनीवन बेटा रिप्लाई करो। क्या मैंने आपको स्टेप बताया, इंपॉर्टेंट स्टेप? नवीन आप बताओ। चलो सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रहा। अब आप, ओ ये तो बड़ा सुंदर बच्चा है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। सारे इसके लिए क्लैपिंग करो कि जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो कहते वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है ना, जब तक तो ठीक। तुम्हें नहीं आ रहा। ओ बाकी बच्चों को आ रहा है? बाकी बच्चों को वीडियो नजर आ रहा है? अरे रिप्लाई तो करो बेटा। ध्यानचंद्र, दीपांशु, वीडियो क्लियर आ है? रहा है सर। तो ये नवीन तो बदमाश हो गया, नवीन तो बिगड़ गया है छुट्टियों में, इसके कान पकड़ूंगा घर जाके। चलो बेटा, अल्फा इज रूट ऑफ फर्स्ट दिस इक्वेशन, तो अल्फा विल सेटिस्फाई। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 0, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। बीटा देखो बेटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया अल्फा पावर एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा पावर एन माइनस 2। सिमिलरली बीटा पावर एन क्या बन जाएगा? बीटा एन माइनस 1 प्लस बीटा एन माइनस 2। बेटा तो अब आप क्या करो, यहाँ पर अल्फा पावर एन को पुट करो, अल्फा एन माइनस 1 अल्फा एन माइनस 2, बीटा पावर एन को पुट करो बीटा एन माइनस 1 बीटा एन माइनस 2। बेटा अल्फा पावर एन को पुट कर लिया और बीटा पावर किसका बोलो, एन को पुट कर लिया, तो ये आपका बन गया दिस वन। अब मुझे बता सकता है कोई अल्फा पावर? नाउ अब आप सोच के मुझे बताइए मुझे क्या निकालना है। ए 12, अब पी इन टू अल्फा पावर एन माइनस 1 अल्फा पावर एन माइनस 2, राइट। अब सोच के मुझे बताएं व्हाट इज ए एन? बेटा ए एन आपका क्या है? पहले को पहले से क्लब करो, दूसरे को दूसरे से क्लब करो। पी इंटू अल्फा पावर एन माइनस 1, क्यू इंटू बीटा पावर एन माइनस 1। सेकेंड पार्ट, पी इंटू अल्फा पावर एन माइनस 2,